अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए है, द फॉलोइंग डेटा शोज दैट द सन्स हाइट एंड फादर्स हाइट। अब बच्चों, हमारे पास एक्स और वाई का कॉलम ड्रॉ किया गया है, जिसमें एज ऑफ हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन है। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन, हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है ऑफ सन्स हाइट ऑन फादर्स हाइट यूजिंग यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी इज इक्वल टू वाई माइनस 68। ठीक है बच्चों, प्रिडिक्ट द मीन हाइट ऑफ सन हुज फादर आर 70 इंचेस इन हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, यू और वी का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में जब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड कर लेंगे तो एक्स की जगह 70 पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ड्रॉ करेंगे एक्स का फॉर्मूला। एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह आएंगी। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यूज आई है एक्स और वाई की। तीसरा कॉलम जो हम ड्रॉ करेंगे वो यू का होगा, और यू इक्वल होगा एक्स माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह बच्चों अगला कॉलम जो हम ड्रॉ करेंगे वी का, और वी इक्वल होगा वाई माइनस 68 के। इससे अगला कॉलम हम यू वी का ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में हम यू स्केयर का कॉलम ड्रॉ करें। तो बच्चों यहां हम यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे 59 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसी तरह जब नीचे फाइंड करेंगे तो आएगा 61 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह ये कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह बच्चों जब वी का कॉलम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वाई में से 68 माइनस कर देंगे, आपके पास v का कॉलम ड्रॉ होता जाएगा। फिर हम u और v को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, और लास्ट पे u की वैल्यूज का स्केयर लेके कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो वो कुछ इस तरह आएंगी। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है, x, y, u, v और u के स्केयर। इसके बाद बच्चों रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं, उसके लिए मुझे यहां से ऐसे करना पड़ेगा। हमारे पास रिग्रेशन लाइन दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ऐसे बच्चों हमें फाइंड करने पड़ेगा बी और ए को। बी का फॉर्मूला हम पुट करेंगे एन समीशन यू वी माइनस समीशन यू समीशन वी डिवाइडेड बाय एन समीशन यू का स्केयर माइनस समीशन यू का होल स्केयर। अब बच्चों ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की है, इससे हमारे पास b की वैल्यू आएगी 0.935। इसी तरह हम a की वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। a के लिए फॉर्मूला होगा समीशन u माइनस b समीशन b डिवाइडेड बाय n। वैल्यू शुरू करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 0.33। अब इन वैल्यूज को हम रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास b इक्वल आएगा 0.3 प्लस 0.935 u। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, जो a और b की वैल्यूज होती है हम उसे नई इक्वेशन लाइन में पुट करेंगे जो कि b और u के लिहाज से हम करेंगे। ठीक है, अब उसे कहा था आपने इन u और b के वैल्यूज को पुट करना है फर्स्ट वाली इक्वेशन लाइन में। तो बच्चों कुछ ये फॉर्मूला लिखेंगे हमारे पास, पुट यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 67 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 68 इन 1। सबसे फर्स्ट वाली को लेंगे, हमारे पास आएगा वाई माइनस 68 इज इक्वल टू 0.3 प्लस, आगे से लिख कर देते हैं, यह आएगा 0.935
स्किप किया जो हमने यू और बी की वैल्यूज को पुट कर दी। अब यहाँ हम ऐसे थे कि सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास 2y माइनस 136 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.935x माइनस 62.645। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम वैल्यूज को फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए 0.6 और ये सॉल्व होगा तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म लेते हैं, हम फॉर्म लिख लेते हैं, यानी 2y माइनस 136 इज इक्वल टू 0.935x माइनस 62.0। अब तमाम वैल्यूज को निकल के दूसरी साइड पे लिख सकते हैं और एक साइड पे हम सिर्फ 2y ले लेते हैं, तो हमारे पास बच्चों हमने यहाँ फाइंड करना है एस्टिमेटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड एस्टिमेटेड सप्लाई एंड प्राइस इज 125। तो बच्चों इसीलिए हमें रिग्रेशन के लिए निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन के हिसाब से हम कर सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, हमारे पास होगी एक्स का क्या इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी एक्स वाई में मौजूद है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सी डी से डिफ्रेंट करते हैं।
जब हम ए बी जैसे हम कहते हैं हमने सी डी फाइंड कर लिया, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सी और डी की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डी का फॉर्मूला लिखते हैं। डी का फॉर्मूला यहाँ हम हमेशा होगा समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय समीशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एम और समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। मुझे तमाम वैल्यूज ऊपर हमने पीछे जो रेस किया उसको सारी लिखी हुई थी, उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.44, ठीक है। इसके बाद बारी है इसलिए बच्चों सी फाइंड करते हैं। यहाँ इस सी को क्यों फाइंड करते हैं, इसी का फॉर्मूला होगा हमारे पास एक्स बार माइनस डी बाय बार। अब हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी चीजों की जरूरत है, इनको पुट करेंगे तो ये आपसे सी का निकल आएगा, ठीक है। चलिए आए बच्चों फाइंड करके इसके बाद एक ब्रीफ पुट करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों सी से हमारे पास मिलेगा यह है एक्स बार माइनस डी बार बार, ऐसे एक्स का फॉर्मूला मिलेगा हमारे पास ए प्लस समीशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। इसी तरह बच्चों डी एज इट इज समीशन वाई का हम कैसे करते देंगे, वाई के हम फॉर्मूला करते देंगे बी प्लस समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके लिए होगा ए और बी से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक्स, अब एक्स की जो वैल्यू है बच्चों कुछ से भी बड़ी है, वो समीशन एक्स माइनस 90, ठीक है। तो वो जो 90 है बच्चों उसकी जगह वो वैल्यू है 80, इसकी जगह क्या आएगा 90, लिखा हुआ है ना समीशन एक्स माइनस 90, तो ये वैल्यू होगी बच्चों 80। इसी तरह वाई का लिखा हुआ है वाई माइनस 127, तो 127 जो होगा वो वैल्यू होगी बी की जो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 90 माइनस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 87.22। इसी तरह हम डी की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली थी 0.44, डी हमारे पास यहाँ क्या होगा 127 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9, पहले शुरू किया बस तो हमारे पास आएगा माइनस 0.44 इंटू 128.32। जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 143.68। तो ये हमारे पास आ गए सी और डी की वैल्यू, इसको अब हमें पुट करना है रिग्रेशन लाइन में ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। तो हम लिखेंगे इसका बेस्ट फिटेड लाइन एक्स ऑन वाई एक्स, आपके पास आएगी एक्स कैप इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, सी की वैल्यू 143.69 और डी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बच्चों वो थी 0.44 और वाई क्या आएगा एज इज आएगा, क्लियर है बच्चों। बच्चों हमने डी की वैल्यू क्या निकाली थी माइनस 0.44, ऐसे ही ना तो हम यह किया यहां पे डी की वैल्यू क्यों थी माइनस 0.44, तो ये हमारे पास इसका x कैप का आंसर है। अब क्वेश्चन में इससे कहा था कि अब टेक द एस्टिमेटेड लाइन ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ x ऑन y एंड एस्टिमेट द सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ 125, तो यानी यहां पे y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 125, या ये पुट y इज इक्वल टू 125, तो x का जो आंसर आएगा 143.69 माइनस 0.44 मल्टीप्लाई बाय 125, आंसर आ जाएगा 88.69। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी एंड हुआ, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी सेम है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। या बच्चों 7 का पार्ट नंबर सी मैं आपको खुद करवा दूंगी, उससे नेक्स्ट वाला पार्ट आपको होमवर्क दे दूंगी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।